हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जब भी आप कोई प्रोसेसर बाय करते हैं, चाहे आप वो इंटेल का प्रोसेसर बाय कर रहे हैं या फिर वो आप एएमडी प्रोसेसर बाय कर रहे हैं, तो आपने इसमें एक चीज़ नोटिस की होगी कि उसमें दिया होता है कोर्स और साथ में दिया होता है थ्रेड्स कि इसमें नंबर ऑफ कोर्स इतने हैं और इसमें जो थ्रेड्स हैं इतने हैं। और या फिर आप शॉप से बाय करने जाते हैं तो आप उससे अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं और वो आपको बताता है कि ये आपके लिए प्रोसेसर बेस्ट रहेगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कोर्स इतने हैं और या फिर उसके अंदर जो थ्रेड्स हैं इतने हैं। तो दोस्तों, पर आपको ये नहीं पता होता कि वो जो हमें बता रहा है वो क्या सही बता रहा है, या फिर उसके बारे में आपको इतनी नॉलेज नहीं होती कि कोर्स और जो थ्रेड्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि जो हमारे प्रोसेसर के अंदर कोर्स और थ्रेड्स दिए होते हैं वो क्या चीज़ होते हैं। तो ये सब चीज़ जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देना करते हुए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारे प्रोसेसर के अंदर जो कोर्स दिए होते हैं उनका मतलब क्या होता है। इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि जैसे कि जो हमारे पुराने टेक्नोलॉजी के जितने भी लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप होते थे उनमें क्या होता था, उनके अंदर सिंगल कोर प्रोसेसर होता था। मतलब क्या होता था कि जो उसमें प्रोसेसर लगाया जाता था उसके अंदर क्या होता था कि जो उसकी चिप होती है, जो प्रोसेसर में अंदर चिप होती है उसमें क्या होता था कि सिर्फ एक ही सीपीयू होता था। मतलब उसके अंदर एक जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता था, जितना भी हम काम करते थे सारा वर्कलोड उसी के ऊपर होता था और वही हमें आउटपुट देता था। जिससे क्या होता था कि हम कोई मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते थे तो हम मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते थे क्योंकि जो हमारा एक सिंगल कोर प्रोसेसर होता था वो काफ़ी जो हैवी वर्कलोड नहीं ले सकता था, या कहें कि वो एक से ज़्यादा टास्क नहीं कर सकता था एक टाइम पे कंप्लीट। तो इसी करके हम जो पुराने लैपटॉप होते थे, आपने देखा होगा जब भी हम कोई डबल काम करने की कोशिश करते थे तो वो जो लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप पीसी होता था वो हैंग हो जाता था। दोस्तों, इसका एग्जांपल हम ऐसे भी ले सकते हैं। मान लीजिए किसी ने कंपनी खोली है और उसमें सिर्फ कंपनी में सिर्फ वो अकेला ही है, उसमें क्या होगा कि वो क्या होगा कि जितना भी उसे काम करना पड़ेगा अकेले पर्सन को ही करना पड़ेगा और उसे क्या होगा कि जैसे कि उसमें कुछ ज़्यादा काम दिया जाएगा तो उस पर लोड काफ़ी बढ़ता जाएगा, या कहें कि वो जिसकी जितनी कैपेसिटी होगा सिर्फ वो उतना ही काम कर सकता है। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती गई वैसे ही हमारे प्रोसेसर में न्यू टेक्नोलॉजी आती रही। उससे बाद आप ऐसे ले सकते हैं कि जो हमारे इंटेल के जैसे कोर टू ड्यू प्रोसेसर आए कि जिनमें क्या होता था उन प्रोसेसर की जो चिप होती थी, मतलब उसके अंदर जो डाई होती थी, उसके अंदर अब एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की जगह अब दो सीपीयू काम करने लगे। तो उसमें क्या हुआ कि जब हम कोई काम करते थे तो जो एक प्रोसेसर है जो उस पहले काम को संभाल रहा था और दूसरा जो सीपीयू होता था उस चिप के अंदर वो दूसरे काम को संभाल रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हम उसमें मल्टीटास्किंग कर सकते थे। या कहें कि जैसे कि पहला जो प्रोसेसर है, आप मान लीजिए कोई सॉन्ग सुन रहे हैं उस पर काम कर रहा है और दूसरा जो अंदर उसके सीपीयू होता था, मतलब जो फिजिकल तौर पर मौजूद होता था वहाँ पर, वो क्या करता था कि वो हमारे कोई हम दूसरा काम कर रहे हैं या फिर फोटोशॉप पे कोई काम कर रहे हैं या फिर हम कोई और काम कर रहे होते थे या फिर वेब ब्राउजिंग कर रहे थे साथ में, तो वो क्या करता था वो उस टास्क को कंप्लीट करता था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हम मल्टीटास्किंग है आसानी से कर सकते थे। मतलब क्या है कि वो प्रोसेसर जो है मल्टीटास्किंग बड़े आराम से कर सकता था क्योंकि उसमें दो जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होते थे। दोस्तों, हम अगर इसको एग्जांपल के तौर में ले तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि जैसे पहले जो कंपनी में सिर्फ एक ही वर्कर काम करता था, अब उसमें दो वर्कर काम करते हैं तो क्या होगा कि उसमें लोड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। या फिर हम कहें कि जैसे हमारा जो एक पर्सन जो काम कर रहा था अब दो पर्सन ज़्यादा काम करेंगे तो उसे हमें आउटपुट भी ज़्यादा मिलेगी। हम उसे जितनी इनपुट देंगे हम उस हिसाब से आउटपुट भी हमें उसी तरह मिलेगी क्योंकि हमारे वहाँ पे एक पर्सन की जगह दो पर्सन काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, इससे बाद जैसे और सीपीयू आते गए उनके अंदर जो है नंबर ऑफ कोर्स की जो संख्या बढ़ती गई, जैसे कहीं के अंदर 6 होते हैं 8 होते हैं, तो क्या मतलब हुआ इसका कि उस जो प्रोसेसर के अंदर जो हमारी चिप होती है उसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोसेसर है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, वो 6 हो गए हैं और जिनके अंदर कोर्स 8 लिखा होता है उसके अंदर मतलब यह है कि उस चिप के अंदर जो 8 जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है अलग अलग, मतलब उसी चिप के अंदर है। उससे क्या होगा, जितने हमारे नंबर ऑफ कोर्स बढ़ते रहेंगे उससे हम उतनी ज़्यादा फास्ट स्पीड से काम ले सकते हैं या कहें कि हम उतनी ज़्यादा मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गया कि जो हमारे प्रोसेसर के अंदर कोर्स होता है उनका मतलब क्या होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जो हमारे प्रोसेसर के अंदर जो थ्रेड्स दिए होते हैं उसका मतलब क्या होता है। मैं आपको इसको एग्जांपल लेकर बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई मेरे पास कोई प्रोसेसर है और वो जो है सिंगल कोर ही प्रोसेसर है, मतलब उस चिप के अंदर सिर्फ एक फिजिकल तौर पर जो सिर्फ एक ही सीपीयू प्रेजेंट है, और दोस्तों वो जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, मतलब वो सिंगल कोर जो प्रोसेसर है, वो जो है अब दो थ्रेड्स के साथ आता है, मतलब वो सिंगल कोर जो प्रोसेसर है वो दो टास्क को एक साथ कंप्लीट करने के लिए कैपेबल है। या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि वो सिंगल कोर जो प्रोसेसर है वो फिजिकल तौर पर तो एक ही है पर वर्चुअल तौर पर वो दो प्रोसेसर की तरह काम करता है। या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि उसमें जो है एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी होती है कि जिसमें क्या होता है कि वो दो वर्क को एक साथ प्रोसीड करता है सिक्वेंशियल वाइज,
एक सिंगल कोर के थ्रू ही। तो इससे होता क्या है कि मान लीजिए आप कोई वर्क कर रहे हैं, तो क्या करेगा कि वो मान लीजिए आपका टास्क ए हो गया, कि आप कोई मान लीजिए कोई सॉन्ग सुन रहे हैं वो टास्क ए हो गया, और आप मान लीजिए कोई ब्राउजिंग कर रहे हैं या फिर कुछ देख रहे हैं तो उसमें क्या हो गया, वो टास्क बी हो गया। तो वो क्या करेगा, वो सीक्वेंशियल वाइज उन दोनों चीज़ों को ऑपरेट करेगा, जिसमें क्या होगा कि वो आउटपुट आपको दोनों चीज़ों के देगा। मतलब आप एक ही सिंगल चिप में जो है मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, और वो क्या करता है कि उसको बड़े एफिशिएंटली तरीके से वो करता है वर्क। तो दोस्तों उसको हम बोलते हैं कि जो एक प्रोसेसर दो टास्क को कंप्लीट कर सके, उसे हम थ्रेड्स के रूप में लेते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो हमारा एक सिंगल कोर प्रोसेसर होता है वो दो वर्क को एक साथ सीक्वेंशियल वाइज कंप्लीट करने के कैपेबल है। ऐसे ही मान लीजिए कि आपके जितने नंबर ऑफ कोर्स बढ़ते जाते हैं और उसके साथ थ्रेड्स की संख्या भी जो है डबल होती जाती है। दोस्तों आपको मैं एक और एग्जांपल लेकर आता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई हमारा प्रोसेसर है वो दो कोर के साथ आता है और उसमें जो नंबर ऑफ थ्रेड्स हैं वो दो है, तो उसमें क्या होगा कि एक कोर के अंदर दो थ्रेड्स हुए और जो दूसरे कोर के अंदर दो और थ्रेड्स हुए, मतलब टोटल कितने हुए, चार थ्रेड्स। मतलब वो क्या हुआ कि एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो उसमें है वो दो टास्क को एक साथ कंप्लीट करने के कैपेबल है, और दूसरा जो कोर है वो भी जो है दो वर्क को एक साथ करने के कैपेबल है, जिससे क्या होगा कि हम मल्टीटास्किंग और ज़्यादा कर सकते हैं। आपको शायद ये ना पता हो कि जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, या कहें कि जो भी हम वर्क कर रहे थे कंप्यूटर पर, वो थ्रेड्स के रूप में काम करता है। मतलब उसमें क्या होता है कि जितने भी ज़्यादा हमारे एप्लीकेशन होते हैं उसे वो टुकड़ों में तोड़ देता है, ताकि जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है हमारा उसे जल्दी आसानी से सुलझा सके और हमें आउटपुट दे सके। जैसे कि आप विंडोज 7 में भी दे सकते हैं, यहाँ पे देखिए आप टास्क मैनेजर में यहाँ पे थ्रेड्स दिया हुआ है, यहाँ पे थ्रेड्स की संख्या दी हुई है कि जो चल रही है, और जो उसमें दे दिया है कि प्रोसीज, मतलब उसमें दिया हुआ है कि कितने पे प्रोग्रेस हो रही है। और आप ऐसे विंडो 10 में भी दे सकते हैं, वहाँ पे देखिए वहाँ पे आपको जैसे नंबर ऑफ कोर्स दिए होते हैं कि नंबर ऑफ कोर्स जैसे इसमें चार है और इसमें जो थ्रेड्स हैं वो 8 है। और ऐसे ही आप दे सकते हैं कि उसमें भी देखिए आपको यहाँ पे साथ में दिया हुआ है कि उसमें जो थ्रेड्स हैं, नंबर ऑफ थ्रेड्स मतलब कितने अभी करंट में चल रहे हैं, उसमें देखिए आप हज़ारों की संख्या में है। मतलब आपके जितने भी प्रोग्राम होते हैं, जो भी आप चला रहे हैं, उनको थ्रेड्स के रूप में वो डिवाइड कर देता है, जिससे वो जो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है उन्हें बड़ी आसानी से सोल्व कर सके या उन्हें प्रोसेसिंग कर सके। दोस्तों अब आपके मन में सवाल आता होगा, क्या हमारा सिंगल कोर प्रोसेसर जो है मान लीजिए दो थ्रेड के साथ आता है तो मतलब उसके अंदर दो CPU है? दोस्तों नहीं, उसके अंदर सिर्फ एक ही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, मतलब उसके अंदर सिर्फ एक ही जो कोर है उस चिप के अंदर फिजिकल तौर में, पर वो जो वर्चुअल रूप में जो काम करता है वो दो प्रोसेसिंग की तरह काम करता है। और आप आपके मन में सवाल आता होगा क्या वो डबल काम करता है? दोस्तों डबल काम नहीं करता। वो क्या करता है, वो सिर्फ मान लीजिए कि आपका कोई प्रोसेसर है एक कोर के साथ है और वो दो थ्रेड्स के साथ आता है, और जो दूसरा प्रोसेसर है उसमें सिर्फ दो कोर हैं आपके पर वो थ्रेड्स के साथ नहीं आता, तो यहाँ पर जो फास्टर होगा वो होगा दो कोर का प्रोसेसर, क्योंकि उसके अंदर जो दो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं जो आपके एप्लीकेशन है उसको डिवाइड कर देते हैं और वो ज़्यादा जल्दी से आपको आउटपुट देते हैं। पर जो आपका सिंगल कोर प्रोसेसर होगा और वो दो टास्क को एक साथ कंप्लीट करने की कैपेबल है, वो सिर्फ क्या होगा कि वो जो मतलब परसेंटेज में ले कि वो कोर में कितना होगा, वो होगा 1.25 कोर, या फिर हम उसे ऐसे बोल सकते हैं मान लीजिए कोई सिंगल कोर आपका प्रोसेसर है और वो थ्रेड के साथ नहीं आता, तो समझ लीजिए आपकी वो आपको 100% ही सिर्फ आउटपुट दे रहा है, मतलब जितना वो वर्क ले रहा है उतना ही आपको 100% आउटपुट दे रहा है। पर मान लीजिए वो दो थ्रेड्स के साथ आता आपका सिंगल कोर प्रोसेसर, तो उसमें क्या होगा, वो आपको 20-30% तक ज़्यादा परफॉर्मेंस देगा। दोस्तों ऐसे सभी में होता है कि मान लीजिए जितने आपके नंबर ऑफ कोर्स होंगे, जैसे किसी जो प्रोसेसर के अंदर नंबर ऑफ कोर्स की संख्या 32 है तो मान लीजिए उसमें नंबर ऑफ थ्रेड्स 64 होंगे, तो उसमें क्या होगा हर एक प्रोसेसर के अंदर दो थ्रेड्स होंगे, तो आप देखिए आपके 32 ऐसे जो कोर्स हुए और 32 में डबल जो आपके थ्रेड्स कंप्लीट होने के, मतलब वो 64 थ्रेड्स हुए उसके अंदर। जितने नंबर ऑफ कोर्स होंगे और जितने नंबर ज्यादा थ्रेड्स होंगे उतना ही आपका जो प्रोसेसर होगा वो बेहतर परफॉर्मेंस देगा। दोस्तों अब आप ये सोचेंगे क्या जो प्रोसेसर में जो थ्रेड्स होते हैं एक सिंगल कोर में दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं? जी हाँ, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे कि इंटेल का ज़ियोन जो फी प्रोसेसर है, जिसे हम बोलते हैं 7235 बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि उसके अंदर जो कोर होते हैं वो होते हैं 64 और जो थ्रेड्स होते हैं वो होते हैं 256। ऐसी जो ज़ियोन फी का 7295 प्रोसेसर है उसके अंदर जो कोर्स होते हैं 72 होते हैं
और जो उसके अंदर थ्रेड्स होते हैं 288। अब आप कहेंगे कि ये इसे दोगुने की नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो इंटेल कोर के ज़ियोन 3 है इसमें क्या होता है कि एक सिंगल कोर जो है 4 थ्रेड्स कंप्लीट करता है। मतलब ये है कि जो हमारा प्रोसेसर होते हैं, जो मान लीजिए कोर i3 है, i5 है, i7 है, जिनमें जितने भी प्रोसेसर हैं उनमें मान लीजिए कि जो एक कोर है वो 2 वर्क को सिक्वेंशल वाइज जो प्रोसेस करने के कैपेबल है। पर यहाँ पे क्या होता है, जो इंटेल ज़ियोन 3 में जो कोर है वो क्या करता है, वो एक जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, मतलब वो 4 जो वर्क को है सिक्वेंशल वाइज प्रोसेस करने के कैपेबल है, मतलब सिंगल कोर के थ्रू ही। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पता चल चुका होगा कि जो हमारे प्रोसेसर के अंदर कोर्स दिया होता है और थ्रेड दिया होता है उसका मतलब क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगली वीडियो में आपको फिर मिलता हूँ एक नॉर्फुल वे के साथ। तब तक के लिए अपनी न्यू चीज़ सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।